तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में, पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो भाई साहब, गेम प्ले की बात करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। उससे पहले तो ये बताओ कि मतलब ये 100 RP वाला कपड़ा लग कैसा रहा है। मतलब कतई जहर टाइप का लग रहा है, मुझे तो मतलब बड़ा पसंद आया भाई साहब। कतई इतनी खुशी हुई, पहली बार मैं ये 100 RP वाला कपड़ा पहन रहा हूँ। इससे पहले मैंने रॉयल पास खरीदा नहीं था, पहली बार खरीदा हूँ और 100 RP पूरा करके मज़ेदार कपड़ा पहन लिया। और यदि आप लोगों को भी चाहिए रॉयल पास तो हमारे चैनल पे ऑफर है, 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं रॉयल पास का गिव अवे करने वाला हूँ। तो बहुत दूर नहीं है हम, सिर्फ 300 दूर है, मतलब 300 से भी कम सब्सक्राइबर दूर है। 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे चैनल पे, तो जितना जल्दी हो सकता है इस मंथ 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए। तो शेयर करो मेरे दोस्त भाई, जितने भी जो भी हो देख रहे हो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो और रॉयल पास का गिव अवे तुम्हारा भाई करेगा 1000 सब्सक्राइबर होने पर। तो फटाफट कर दो यार, वो नहीं दिख रहा होगा सब्सक्राइबर अभी, लेकिन जैसे ही 1000 हो जाएगा दिखने लगेगा तुमको, तो टेंशन नहीं लेने का। तो शेयर करो वीडियो को। और इस गेम प्ले बात करूं तो भाई साहब, इस गेम प्ले में तुम्हारा भाई तुमको ग्रेनेड फेंकना सिखाएगा, जो तुम्हारे भाई को भी नहीं आता है। हाँ, मतलब कतई जहर टाइप का ग्रेनेड आपको देखने को मिलेगा इस गेम प्ले में। तो तैयार हो जाओ यार, शुरू करते हैं गेम प्ले को। और भाई साहब, इसी के साथ मैं उतर जाता हूं मिलिट्री बेस में और मुझे मिल जाती है हिप हॉप की EP और साथ में ये पबजी का DP, और उसके साथ मिल जाता है भाई साहब हलवे की सूजी और मतलब उजी मिल जाती है। क्या ही राइमिंग बना रहा हूं मैं, मतलब कतई जहर टाइप का। और उसके बाद भाई साहब, इस खिड़की से बाहर उतरने की मैं कोशिश करते रहता हूं, जो नाकाम कोशिश होती है एक बॉट को मारने के लिए। तो उस बॉट को मारने के बाद देखना मेरे साथ क्या स्कैम होता है। और ये भाई साहब मुझे दिखते ही नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। जिधर ये लेटा हुआ है ना, मतलब वहाँ पे पेट्रोल का डब्बा भी रहता है, तो भाई साहब एकदम मैच हो जाते हैं लाल लाल से। तो कतई सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं जब डब कर रहा हूँ तब 3-4 बार देखा हूँ एकदम गौर से, तब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे था बंदा। मतलब उस टाइम गेम जब खेल रहा था तो दिखाई भी नहीं दिए भाई साहब, मतलब मैं इतना कन्फ्यूज कि गोली आ कहाँ से रही है भाई साहब। इधर उधर से छिप छिपा के किसी तरीके से बच जाता हूँ, सीरियसली बोलता हूँ, नहीं तो एक गोली और लगता तो स्कैम हो जाता मेरे साथ भाई साहब। मैं बोलता हूँ पहले इसको मारो, हील विल बाद में करेंगे, जबकि एडवांटेज नहीं रहता है मेरे पास, फिर भी मैं इसको मारता हूं। और उसके बाद भाई साहब यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, एक बॉट आ जाता है उसको मारते हैं, एक नहीं दो आ जाते हैं, उसको मार के हम निकलते हैं उस तरफ। और बहुत देर से सी बिल्डिंग और टावर के बीच में ना लड़ाइयाँ हो रही थी, मतलब गोली की आवाज़ इतनी आ रही थी कानों के बीच में। मतलब मैं जब तक पहुँचता हूँ यहाँ तक भाई सब सारे लौंडे निपट जाते हैं, बचता है सिर्फ एक लौंडा। अब देखो ये भगते हुए मुझे दिख जाता है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है तुमको झाड़ी झुड़ी में घुस घुसा के किसी तरीके से तो पेलेंगे, तो भगते हुए पकड़ते हैं इसको। चलो और भाई साहब वहाँ पे मैं प्रोन हो जाता हूँ, मतलब मैं सांप बन जाता हूँ, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, मतलब कवर के नाम पे अपने पास सिर्फ सांप बनूंगा तभी कवर मिलेगा। और भाई साहब मैं तब तक वेट करता हूँ, क्योंकि अपने पास कोई नीड नहीं है जो मैं उसको फेंक के उसको डरा सकूँ या वहाँ से निकाल सकूँ, तो मैं तब तक वेट करता हूँ जब तक वो नीड ना फेंके। हाँ, मतलब वो जैसे ही नीड फेंकने के लिए निकलता है इधर उधर, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे ही निकलेगा मैं पेल दूंगा। तो भाई साहब लेकिन मेरा 1 सेकेंड मुझे लगता है रिएक्शन टाइम कम था, जिसके कारण वो नीड फेंक चुका होता है तब मैं उठता हूँ, तो 1 सेकंड मुझे लगता है रिएक्शन टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब और भी ज़्यादा धीरे धीरे। पहले तो बहुत ज़्यादा नूबड़ा था मैं, अभी धीरे धीरे रिएक्शन टाइम बढ़ रहा है, तो अगले सीज़न हम पुश भी करेंगे, रैंक पुश भी करेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं भाई तू गोल्ड में ही है, तू बहुत बड़ा नूब है, तो अगले सीज़न में हम करेंगे सारी चीज़ें। इस सीज़न में अब क्या करेंगे, मतलब 1 सप्ताह में हम नहीं पहुँच सकते आगे तक, तो छोड़ दिए हैं इस सीज़न, अगले सीज़न हम रैंक पुश भी करेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है, तो इसको आराम से फेल देते हैं हम। और उसके बाद भाई साहब मुझे कोई लौंडा दिखता ही नहीं है, सीरियसली बोलता हूँ। मैं ड्रॉप पे गया, ड्रॉप पे भी नहीं है, इधर उधर घूमा कहीं पे लौंडा नहीं मिलता, बहुत देर घूमता हूं मैं सीरियसली बोल रहा हूं, लेकिन नहीं मिलता है कहीं। तो मैं इधर आ जाता हूं, इस घर में आ जाता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं इस घर में लौंडे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहां पे ब्रिज के बगल में है और जोन बहुत छोटा हो चुका है, और इस घर में लौंडे आते ही आते हैं। तो इस घर के ऊपर मैं चढ़ जाता हूं, और जैसे ही चढ़ता हूं तुरंत थोड़ी देर में एक बाइक वाला आता है भाई साहब, और अब उसकी चटनी बनानी है, तो देखो यार उसके साथ क्या ही स्कैम करता हूं मैं।
और भाई साहब मैं जैसे ही देखता हूँ कि गाड़ी इधर ही रुक गई, मैं ऊपर से फटाफट छलांग लगा देता हूँ, मतलब कतई टाइगर सरोफ बन जाता हूँ। मैं कूदता हूँ और फटाफट मारता हूँ। मतलब देखो यार, तुम लोग कूदना, संभल के कूदना, कभी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कूदने में। यदि कूद के नीचे उतर के बच गए, नहीं हुआ तुम्हारे साथ स्कैम, तो तुम टाइगर श्रॉफ बने रहोगे। यदि स्कैम हो गया तो तुम कचरा सेठ बन जाओगे। हाँ सीरियसली, यही वाले कचरा सेठ बन सकते हो तुम। तो टांग हाथ मत तोड़वाना, आराम से कूदना। हाँ, अपने को किल की भूख बहुत ज़्यादा लगी होती, तुम लोगों को नहीं लगनी चाहिए, अपनी केडी बननी चाहिए, ठीक है? तो कूद के आराम से इसको फिनिश कर देते भाई साहब को। एक नेट फेंकते हैं, मैं सोचता हूँ नेट से फिनिश ना होगा तो घूम के पेल देंगे, लेकिन नेट से ही लौंडा ठिल जाता है। और इसके बाद देखो, मतलब मैं फिर से ऊपर चढ़ता हूँ, और उसके बाद मतलब यहाँ पे ड्रॉप भी गिर चुकी है, तो भाई साहब दो लौंडे ड्रॉप लूटने के लिए आ रहे हैं। तो उस दो लौंडे को तो मैं पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा, लेकिन उसके साथ स्कैम क्या होगा ना, दो दो गाड़ियां भी आ जाएगी, तो अपनी दिमाग हलचल हलचल हो जाती है। तो देख लो यार कैसे पेलता हूं उन लोगों को। और भाई साहब इन दोनों को तो मैं जैसे तैसे पेल देता हूँ। मतलब पीछे मेरे एक डासिया गई, एक बग्गी गई, अब दो लौंडे हैं उसमें, चार लौंडे हैं, एक टीम के हैं, दो टीम के हैं, अपने को कुछ आइडिया नहीं है भाई साहब। और मैं रुकना नहीं चाहता था इस बार पिछली मैच की तरह। जिन लोगों ने मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं उनको पता होगा, पिछले मैच में यही हुआ था मेरे साथ। मतलब मेरे आगे भी बंदा था, पीछे भी बंदा था, तो भाई साहब मैं पीछे वाले को तो मार दिया, लेकिन आगे वाले को जो नॉक किया था भाई साहब, उसको फिनिश नहीं कर पाया। तो वही दोनों लौंडे मुझे बाद में मतलब गेम हरवाते हैं, सीरियसली बोलता हूँ। तो मैं इस बार भी यही सोच के रखा था कि मैं पीछे वाले को छोड़ दिया, मैं बोला ठीक है वो पीछे वाले देखेंगे बाद में, लेकिन यहां पे पहले आगे वाले को जो नॉक किया हूं, तो यहां एडवांटेज मेरे पास ज्यादा है, तो मैं जाके पहले फिनिश करता हूं उसको, मैं शायद पीछे वाले को भी मार देता जाके। लेकिन भाई साहब ये दोनों है ना, मुझे गेम हरवा देते, तो मैं जाके इसको फिनिश करता हूं। और भाई साहब कमाल का फिनिश किया हूं, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना इसके पीछे, और नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और इसके बाद भाई साहब यहां से मैं निकल जाता हूं फटाफट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बंदा मुझे मेरी पोजीशन पूरी तरीके से पता कर ले और मेरे को ठोक दे आराम से। तो यहां से निकलता हूं, उसके बाद भाई साहब जोन अपने से कट जाता है, जो हमेशा की तरह होता है, अपने पर जोन बनता नहीं है कभी। तो उसके बाद मैं निकलता हूं जोन में। और भाई साहब मैं यहाँ पे अंधा रश कर देता हूँ, लेकिन उसकी हेल्थ पूरी लो कर दी थी मैंने, तभी मर गया, नहीं तो भाई साहब मैं यहाँ पे ठिल जाता। क्योंकि क्या क्या खुल जाता है भाई साहब पता नहीं चलता, बैग वैग क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ उंगली चली जाती है मेरी। हाँ हाँ, वहाँ नहीं जाती है, लेकिन हाँ हर जगह उंगली पहुँच जाती है भाई साहब, और सारा चीज़ खुल जाता है। तो मैं बोलता हूँ बच गए भाई साहब। और इसके बाद देखो अब ओपी ग्रेनेड देखना। इसके बाद मैं इसी के डब्बे से ग्रेनेड उठाता हूँ दो चार, एक इस तरफ फेंकता हूँ, एक इस गेट में, एक इस गेट में। मतलब अब लौंडा कहाँ जाएगा, जोन इस घर के ऊपर बना हुआ, तो लौंडा गेट के बाहर ही होगा खड़ा। तो इस गेट पे फेंकता हूँ, इस गेट पे फेंकता हूँ, दोनों गेट पे फेंक देता हूँ। उसके बाद लौंडे को तीसरा ग्रेनेड फेंकूंगा ना, वो देखने में मज़ेदार होगा। तो देखो यार, और भाई साहब देख सकते हो, मतलब इतना प्रो खिलाड़ा की तरह मैं वहां पे ग्रेनेड फेंक के आया। मतलब देख रहे हो मेरी आईक्यू, देख रहे हो तुम, समझ रहे हो मेरी आईक्यू कहां तक जा रही है। मतलब मैं सोचा कि लौंडा इधर ही आएगा, ग्रेनेड फेंक दो और अपने आप उधर चले जाओ घूम के। भाई साहब उधर ही लौंडा फट गया। अब देखो ये रहा झूठ, अब सच्चाई ये रही कि भाई साहब वो तुक्का था, ग्रेनेड फेंक दिया मैं किसी तरीके से उधर, वो लौंडा उधर जाके ठिल गया। अपने को भी पता है, आपको भी पता है अपनी ग्रेनेड कितनी सस्ती है, तो भाई साहब माफ़ कर देना इस थंबनेल के लिए। तो देख लो यार, मतलब संभाल लो अपने भाई को, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ, अपनी ग्रेनेड बहुत सस्ती है। तो ये तुक्का में फट गया भाई साहब लौंडा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से बुलाओ। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।